हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक और टेंस लेकर आया हूँ जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों, ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है? आइए बच्चों, पहचान के माध्यम से देखते हैं कि पहचान क्या है। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। तो बच्चों, हिंदी के जो सेंटेंस होंगे उनके अंत में क्या दिया होगा? रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द दिए होंगे। और बच्चों, इसकी खास पहचान ये होती है कि इसमें किसी कार्य का जारी रहना पाया जाता है, यानी कि पास्ट में किसी कार्य का जब जारी रहना पाया जाए और वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए, तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। बच्चों, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, आइए कॉन्सेप्ट के माध्यम से देखते हैं। बच्चों, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एकवचन कर्ता, आई, ही, सी, इट और नेम के साथ सहायक क्रियावाच लगाते हैं। बच्चों, एकवचन कर्ता, वैसे प्रेजेंट में ही, सी, इट और नेम उन्हें हम एकवचन कर्ता कहते थे, लेकिन आई को भी हम इसमें और जोड़ देते हैं। आई बच्चों प्रेजेंट में बहुवचन कर्ता के साथ रहता है और पास्ट में एकवचन कर्ता के साथ में इसे हमें जानते हैं। तो बच्चों, एकवचन कर्ता के साथ में हम क्या लगाएंगे? हम सहायक क्रिया वाज लगाएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि बहुवचन कर्ता बी, यू, दे और नंबर्स के साथ सहायक क्रिया वर लगाती हैं, यानी कि हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, यानी कि बी, यू, दे और नंबर्स, तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब हम वर का यूज करेंगे। बच्चों, किसका? वर का यूज करेंगे। और थर्ड कॉन्सेप्ट है मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ते हैं, यानी कि बच्चों जो मुख्य क्रिया होगी उसमें हम पहले रूप में क्या आईएनजी ऐड कर देंगे। तो ये तो बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के हमारे कॉन्सेप्ट हुए। अब बच्चों, एग्जाम्पल्स के माध्यम से अफर्मेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं। आइए बच्चों, तो ये रहे बच्चों हमारे कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स। आइए बच्चों, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इन एग्जाम्पल्स को बनाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, पहला है हमारा सेंटेंस, मैं कल एक अखबार पढ़ रहा था। अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे बच्चों? इस स्ट्रक्चर के आधार पर बनाएंगे। सबसे पहले बच्चों हमारा होता है सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड कर देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए बच्चों, इस स्ट्रक्चर के आधार पर इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो मैं के लिए बच्चों लिखेंगे क्या? आई, आई हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे क्या? वाज। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो बच्चों, तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब वाज यूज करेंगे, और हमारा पूरा सब्जेक्ट तो वहां पर हम वर्ब का यूज करेंगे। तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर वाज, फिर मेन वर्ब है पढ़ना। मेन वर्ब बच्चों हमेशा पहचान से जस्ट पहले मिलती है हमें, तो पढ़ना के लिए बच्चों लिखेंगे क्या? रीड। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी ऐड कर देनी होती है, यहाँ पर हम जोड़ देंगे क्या? आईएनजी। आई वाज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? एक अखबार, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आ न्यूज़पेपर। और कब बच्चों? कल। कल के लिए बच्चों लिखेंगे क्या? यस्टरडे। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन गया क्या कि आई वाज रीडिंग आ न्यूज़पेपर यस्टरडे। नेक्स्ट बच्चों एग्जांपल क्या है कि वे पार्क में पतंग उड़ा रहे थे। इसे बच्चों कैसे बनाएंगे? इसी स्ट्रक्चर के आधार पर वे के लिए लिखेंगे बच्चों क्या हम? दे। और दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे क्या? वर। दे वर। अब उड़ाना के लिए हम लिखेंगे बच्चों क्या? फ्लाई। इसमें हम आईएनजी ऐड कर देंगे, हो जाएगा क्या? फ्लाइंग। वे उड़ा रहे थे, क्या उड़ा रहे थे? पतंग। आ काइट। और कहां? पार्क में। मैं के लिए बच्चों हम यूज करेंगे प्रपोजिशन इन, पार्क की लिखेंगे क्या? पार्क। तो इस प्रकार से हमारा बन जाएगा क्या? दे वर फ्लाइंग अ काइट इन पार्क। थर्ड सेंटेंस बच्चों हमारा, सीता बाजार में टहल रही थी। सब्जेक्ट हमारा क्या? सीता। सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे बच्चों क्या? वाज। अब मेन वर्ब टहलना, टहलना के लिए बच्चों लिखेंगे क्या? वॉक।
ing ऐड कर देंगे, हो जाएगा क्या वॉकिंग। तो सीता वाज वॉकिंग, सीता टहल रही थी, और कहाँ टहल रही थी, बाजार में। मैं के लिए प्रपोजिशन हम यूज करेंगे इन बाजार से पहले, बाजार क्योंकि मार्केट, मार्केट पहले आर्टिकल आएगा हमारा मार्केट। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाएगा क्या, सीता वाज वॉकिंग इन द मार्केट। ये बच्चों हमारे हुए अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आइए बच्चों देखते हैं। तो बच्चों ये रहे आपके कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस, इन नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, ये रहा हमारा सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर। तो आइए बच्चों सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर के आधार पर ही हम इन सेंटेंसेस को बनाने में हमें थोड़ी आसानी होगी। तो बच्चों सबसे पहले क्या है हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर, और उसके बाद हमारे लगे क्या नॉट प्लस B1 प्लस ING, यानी कि वर्ब में ING ऐड करनी प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चों बिल्कुल सेम वही स्ट्रक्चर है जो अफर्मेटिव में रहा था, सिर्फ अंतर किसका है बच्चों नॉट का। यदि नहीं होगा तो हम नॉट का यूज करेंगे। तो इसी प्रकार से हमारा बनता है क्या नेगेटिव सेंटेंसेस, जिन बाकी बच्चों नहीं हो तो उन्हीं को तो नेगेटिव कहेंगे। तो आइए बच्चों को सेंटेंस के माध्यम देखते हैं। पहला सेंटेंस है वह खाना नहीं बना रही थी, तो वह के लिए बच्चों क्या लिखेंगे, वह के लिए बच्चों लिखेंगे क्या सी। सी हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी क्या वाज, निगेटिव में है तो बच्चों में यूज करेंगे किसका नॉट का। अब मेन वर्ब है बनाना, बनाना के लिए बच्चों मेक नहीं लिखेंगे, यहां पर बनाना बराबर हो क्या पकाना, तो पकाना के लिए बच्चों लिखेंगे क्या कुक, ING ऐड कर देंगे, हो जाएगा क्या कुकिंग। और क्या खाना, ये हमारी मेन वर्ब है, ये खाना हमारा नाउन है, कुकिंग द फूड है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस बच्चों क्या कि मैं बाग में फूल नहीं तोड़ रहा था, तो मैं के लिए बच्चों क्या लिखेंगे आई, आई हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब यूज हम करेंगे क्या बच्चों वाज, निगेटिव में है तो नहीं के लिए हम लिख लेंगे नॉट। और नॉट बच्चों हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही तो रखते हैं ना, तो नॉट मेन वर्ब है तोड़ना, तोड़ना के लिए बच्चों हम यहाँ पर ब्रेक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों प्लग, क्योंकि किसी सॉफ्ट चीज को तोड़ने के लिए हम प्लग लिखते हैं, और अगर कोई मजबूत चीज होती है उसे तोड़ते तो उसके लिए हम ब्रेक लिखते हैं। तो आई बच्चों लिखेंगे क्या प्लग, ING ऐड कर देंगे, हो जाएगा प्लगिंग। और क्या फूल, फ्लावर्स, और कहाँ बाग में, बाग में हो जाएगा क्या इन द गार्डन। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा बन गया क्या आई वॉज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन। थर्ड सेंटेंस बच्चों क्या है, पिताजी दफ्तर नहीं जा रही थी, पिताजी के लिए बच्चों लिखेंगे क्या फादर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे क्या वाज, निगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे। जाना, जाना के लिए लिखेंगे बच्चों क्या गो, इसी में हम ING ऐड कर देंगे, हो जाएगा हमारा क्या गोइंग। और कहाँ दफ्तर, किसी प्लेस पर जाने के लिए बच्चों किसका यूज करेंगे टू का यूज करेंगे, टू ऑफिस। तो जो इस प्रकार से हमारे ये हुए कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस। आई बच्चों अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। तो आई बच्चों ये रहे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, ये रहे हमारे स्ट्रक्चर बच्चों, कि यदि हमारा हिंदी का वाक्य क्या से आरंभ हुआ है तो उसे हम इस स्ट्रक्चर के आधार पर बनाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, फिर सब्जेक्ट नॉट को ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING अटेंड, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अंत में क्वेश्चन मार्क। और अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो WH फैमिली, यानी प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले, फिर उसके बाद वाज या वर, प्लस सब्जेक्ट नॉट को रखेंगे ब्रैकेट में, प्लस B1 में ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस स्ट्रक्चर के आधार पर आइए तो इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल से क्या राहुल उपन्यास खरीद रहा था, तो सबसे पहले बच्चों हमें जब क्या आया है तो क्या करिए, हम व्हाट नहीं लिखेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब से आरंभ करेंगे सेंटेंस को। तो राहुल के अनुसार बच्चों हेल्पिंग वर्ब हमारी हो जाएगी क्या वाज, सब्जेक्ट हमारा क्या है राहुल, वाज राहुल। अब यहाँ मेन वर्ब है क्या खरीदना, तो BUY, इसमें हम ING ऐड कर देंगे, हो जाएगा क्या वाइंग, तो वाज राहुल वाइंग। और क्या उपन्यास आ नोविल क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा बन गया क्या वाज राहुल वाइंग आ नोवेल,
नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम गीत नहीं गा रहे थे? तो सबसे पहले बच्चों हमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार रख लेंगे, तुम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हमारी आ जाएगी क्या बच्चों? वर्ब सब्जेक्ट हमारा यू, नेगेटिव में है तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट रखेंगे बच्चों, यू नॉट। मेन वर्ब हमारी जाना, गो में आई जी एड कर देंगे, हो जाएगा क्या गोइंग, सॉरी यहाँ पर गाना बराबर क्या है सिंग, मिस्टेक हो गया बच्चों कोई बात नहीं, सिंग में हम आई एन जी एड कर देंगे, हो जाएगा क्या सिंगिंग। तो वर यू नॉट सिंगिंग, क्या तुम नहीं गा रहे थे? और क्या गीत, गीत के लिए बच्चों क्या लिखेंगे सॉन्ग, आ सॉन्ग। तो इस प्रकार से हमारा बन जाएगा क्या, वर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। लास्ट सेंटेंस बच्चों क्या है, तुम कल क्या बेच रहे थे? तो यहाँ पर क्या शब्द बीच में आया है, तो हम क्या शब्द बीच में आया तो उसके अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेंगे, क्या क्या लिखेंगे बच्चों क्या व्हाट, प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद बच्चों हमारी क्या है हेल्पिंग वर्ब जो आएगी किसके सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा तुम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी क्या बच्चों वर्ब, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है यू, फिर मेन वर्ब क्या है बेचना, बेचना के लिए बच्चों हम यूज करेंगे क्या सेल, आई एन जी एड कर देंगे, हो जाएगा हमारा क्या सेलिंग, और क्या बच्चा आपका कल, कल के लिए बच्चों हम लिख देंगे क्या यस्टरडे, और आखिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से बन गया क्या व्हाट वर यू सेलिंग यस्टरडे। तो बच्चों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बच्चों अवश्य कर लें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।